हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे सेटिल 250 टैबलेट की। फ्रेंड्स, सेटिल 250 टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोजेस क्या है, इसका प्राइस क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारा चैनल पर पहली बार आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी ऐसे मेडिसिन रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करेंगे आपसे फ्री में नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो देख रही है सेटिल 250 टैबलेट, इस टैबलेट को लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाता है और इसका MRP है फ्रेंड्स 544 रुपया। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन में आप आसानी से बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टैबलेट के अंदर सेबोरॉक्सिम 250 mg दिया गया है। फ्रेंड्स, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को बच्चों में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, बच्चों का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, उसमें इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का कान में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का साइनाइटिस हो गया है या फिर गले में इन्फेक्शन हो गया है, टॉन्सिलिस हो गया है, उसमें इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का निमोनिया है, खांसी है, बुखार रहता है, बुखार उतर नहीं रहा है, 2 से 4 दिन तक आपका बच्चा का बुखार रहता है और बुखार नहीं उतर रहा है तो उसमें भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का एब्सेस हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, उसमें भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक टैबलेट है। इस टैबलेट को दिन में 2 टाइम लिया जाता है और खाने के बाद देनी होती है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को 5 से 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट का कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे कि स्किन में रैशेस आ जाना, वॉमिटिंग होना, एलर्जिक रिएक्शन होना और डायरिया हो सकता है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को जब भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेके ही इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट को बच्चे से दूर रखें। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी सेटिल 250 टैबलेट के बारे में। आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सकता है इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर।